नमस्कार दोस्तों, गार्डियन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे 15 ऐसे बेहतरीन पौधे जो मई के महीने में बहुत बढ़िया करते हैं। और गर्मी जितना बढ़ता है दोस्तों, इन फूलों में उतना बड्स और ग्रोथ आता है। अब देखिए कैक्टस और बहुत सारा वैरायटी आपको देखने को मिलेगा। गार्डन ओवरव्यू के साथ साथ पौधों के जानकारी और उसके केयर के बारे में भी इस वीडियो में मैं बता दूंगा। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको फायदेमंद होगा और अच्छा लगेगा। अभी टेम्परेचर जाने लगा है 44-45 डिग्री उड़ीसा संबलपुर में, और गर्मी पसंद ये जो प्लांट सब आप देख रहे हैं ये सब अभी अच्छा करेंगे दोस्तों। प्लांट सिलेक्शन एक इम्पोर्टेंट रोल है, और प्लांट अगर आप अच्छे से सिलेक्शन करके रखते हैं तो हर सीजन में आपके गार्डन में फूल आता है दोस्तों। विंटर में दोस्तों सबके गार्डन में फूल भरा हुआ रहता है, लेकिन समर में बहुत सारे लोग फूल के पौधे लगाते ही नहीं हैं क्योंकि ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। लेकिन ये सब पौधे अगर आपके पास रहते हैं तो कम मेहनत में बहुत सारा फूल आता है। और आइए डिटेल्स में देखते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इनके बारे में दोस्तों। पहला है देखिए ये डॉग फ्लावर, रिस्टोलुचिया बोलते हैं इसको, और बहुत बड़ा साइज का फूल देता है। और पैटर्न भी देखिए इसका बहुत सुंदर आता है दोस्तों। ये एक वाइन है और इसे डॉग फ्लावर के नाम से बहुत सारे लोग जानते हैं। और ये देखिए सेंटर इसका ब्लैक रहता है और नीचे फोनेल जैसा रहता है। और ये देखिए बड्स भी बन रहा है, बहुत साइज में बढ़ा देता है। और इसमें थोड़ा सेंट तो नहीं बोलूँगा, बदबू निकलता है, और इससे अट्रैक्ट होकर पोलिनेटर सब आते हैं, मक्खियाँ ये सब। और ये समर में भी बहुत अच्छा कर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा गुड़हल, गुड़हल हिबिस्कस, ये दोस्तों देसी वैरायटी है। और देखिए व्हाइट में कितना बढ़िया फूल आया है, और गर्मी को पूरा झेल लेता है दोस्तों ये, और गर्मी पसंद पौधा है। और ऑस्ट्रेलियन तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ये देसी वैरायटी सब अभी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और कुछ कुछ पुना वैरायटी यहाँ पे देखिए येलो में है, सेंटर इसका आता है व्हाइट। ये सब दोस्तों बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन पत्ता थोड़ा पीला पड़ रहा है। अगर गर्मियों में आप गमला गर्म रहता है और पानी दे देते हैं तो ये प्रॉब्लम होता है, और ज़्यादा सनलाइट में रहता है तो। ये देखिए अपराजिता, अपराजिता का पिंक वैरायटी, ये दोस्तों बहुत सारे लोग सीड का डिमांड कर रहे हैं, लेकिन सीड इसमें बन ही नहीं रहा है। और आगे देखते हैं बारिश के महीने में इसका ग्रोथ ठीक ठाक आएगा। अपराजिता का ब्लू कॉमन होता है, लेकिन ये पिंक डबल थोड़ा रेयर है दोस्तों, और ये सबके पास होता नहीं है। ये देखिए लोबिबिया कैक्टस, ये फास्ट ब्लूम किया है मेरे पास, और देखिए बहुत प्यारा फूल दिया है। प्लांट का साइज देखिए बहुत छोटा है, नीचे ग्राफ्ट एरिया है, और यहाँ पे देखिए रूट स्टॉक है, और ऊपर देखिए कितना छोटा सा ग्राफ्ट में कितना बड़ा फूल आया है। और फूल भी बहुत प्यारा दिखता है दोस्तों, ये बहुत प्यारा और हर कलर में देखने को मिलता है। ये मेरा येलो है, और इसके साइड में ये देखिए ये वाला ऑरेंज है, इसमें भी बर्ड्स दिख रहे हैं, ये कुछ ही दिनों में ये भी खिलेगा। और यहाँ पे एक है जैमनो, जैमनो भी बहुत प्यारा फूल देता है, ये पिंक कलर में आएगा दोस्तों। और यहाँ पे है देखिए जैमनो बाल्डियानम, इसका रेड कलर में फूल दिया है देखिए। ये आपका दोपहर को खिलता है और शाम को बंद होता है, ये 4-5 दिन खिलता है दोस्तों। और देखिए नीचे इसका बर्ड्स भी बन रहा है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कैक्टस को नहीं लगाना चाहिए घर में, और कैक्टस लगाने पर घर में अच्छा नहीं रहता है ये वगैरह वगैरह, लेकिन मैं बोलूँगा दोस्तों कैक्टस ज़रूर लगाइए। सब अमीर लोगों के घर में ही ये आपको दिखेगा, और ये अगर लगाने पर आप गरीब हो जाते हैं तो कोई इसे नहीं लगाता। तो ये सब अंधविश्वास है, और ये सब मानना नहीं चाहिए दोस्तों। जितने भी आप अमीर लोग देखते हैं उनके घर में ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये लगाने पर ऐसे परेशानी आता है, गरीबी आता है, ये सब नहीं मानना चाहिए आपको, कैक्टस ज़रूर लगाएं। और ये देखिए ये है आपका ऑर्किड, डेंड्रोबियम ऑर्किड, ये दोस्तों बहुत प्यारा फूल दिया है, और देखिए एक स्पाइक आने पर उसमें बहुत सारा फूल देता है, और ये फूल लास्टिंग भी करता है आपका एक महीने के ऊपर। तो अभी देखिए गर्मियों में भी ये बहुत अच्छा कर रहा है, इसे दूसरे प्लांट के सराउंडेड रखा हूँ और हर टाइम ह्यूमिड करके रखा हूँ। और यहाँ पे देखिए आपका प्लूमेरिया, इसे फ्रांगीपानी भी बोलते हैं, चंपा भी बोलते हैं, और इसमें देखिए कितना फूल आया है। और अभी ये दिन भर 44-45 डिग्री के सनलाइट में खड़ा हुआ है, और देखिए इसमें और भी कुछ ब्रांच पर फूल आ रहा है, ये पूरे गर्मी आपको फूल देगा।
यहाँ पे देखिए आपका कालड़िया, कालड़िया भी बहुत प्यारा फूल है, वाई कलर में है। देखिए रेड और एज सब है इसका येलो। ये दोस्तों समर के लिए बहुत बढ़िया प्लांट माना गया है और ये फूलों का बारिश कर देगा आपके गार्डन में। ये देखिए सब नीचे से सूट आ रहा है और सब पे आपको बर्ड्स दिखेगा। इसका पत्ता भी बहुत प्यारा दिखता है और बहुत कम पानी में होने वाला पौधा है दोस्तों, ये ज़रूर आपको लगाना चाहिए समर में। यहाँ पे देखिए 9 o'clock, इसे पॉपुला का भी बोलते हैं, और अभी देखिए 8:30 होने लगा है और अभी भी देखिए इसका बर्ड सब नहीं खुला है। और ये गर्मियों में बहुत बढ़िया फूल देता है दोस्तों, छोटा छोटा फूल लेकिन गमला भर के देता है, और हैंगिंग बास्केट के लिए भी ये जाना जाता है। उसमें बहुत सारे लोग लगाते हैं इसे और बहुत कलर में आता है ये। ये देखिए अभी 9 बज गया, जैसे ही खिल गया, इसीलिए इसका नाम 9 o'clock है। ये देखिए बाई कलर सब फूल है दोस्तों, कुछ कुछ रेड है और इसका येलो भी है मेरे पास, ये देखिए येलो। और सब धीरे धीरे खिलेगा, इसे मैं रिपोर्ट किया था दोस्तों, ये ब्रांच कटिंग से बहुत आसानी से बन जाता है। और ये पोर्सुलन भी बहुत बढ़िया है। ये सब सकुलेंट प्लांट है दोस्तों, पानी कम रिक्वायर करते हैं और फूल ढेर सारा देते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे है आपका आलामंडा, आलामंडा का ऑरेंज वेराइटी है, और आलामंडा जून में खिलता है लेकिन इस साल देखिए पहले ही खिल गया है और फूल सब दे रहा है दोस्तों। ये कामिनी का बड़ा वेराइटी है और सब सेंटर्ड फूलों के पौधे समर में ही खिलते हैं। और ये दोस्तों हीट रेजिस्टेंस वाला भी पौधे होते हैं, लेकिन आप पानी कम मत कीजिएगा जब इसमें फूल आया हो, और ये पौधा आपको घर को महका देता है खुशबू से। ये देखिए ये है आपका मुसंडा का पिंक वेराइटी, ये भी दोस्तों दिन भर धूप में रहता है, और अभी देखिए इसका शुरुआत है, नया नया ग्रोथ सब आ रहा है। पत्ता देखिए बहुत साइनी लिप्स रहता है इसका, और जितना ब्रांच रहता है उतना फूल आता है, और प्लांट आपका जितना पुराना होता है दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पे है आपका वाटर लिली भी बहुत बढ़िया करता है, और जितना गर्मी आने पर भी ये फूल देता रहता है दोस्तों, क्योंकि पानी के अंदर रहता है ये। और इसका बहुत सारा वेराइटी आता है, कल वाटर लिली लगाना चाहिए, वो बहुत सारा फूल देता है आपको। और 1-1.5 साल बाद ये मल्टीप्लाई होता रहता है दोस्तों, बहुत सारा बन जाता है। ये देखिए गार्डेनिया भी बहुत प्यारा प्यारा फूल दे रहा है, और दिन में भी और रात में भी खुशबू दे रहा है। जाते जाते मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरा सनफ्लावर का अपडेट दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे है सनफ्लावर का बड़ा वेराइटी, और इसको मैं सीड से लगाया था, और देखिए बहुत बढ़िया चल रहा है। और एक जगह पे देखिए बहुत सारा मैं लगा दिया हूँ, ये 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 है, और 12 प्लांट है दोस्तों, ज़्यादा क्राउडेड हो गया है, लेकिन फिर भी देखिए ग्रोथ बहुत बढ़िया है, और इसमें मैं रेगुलर फर्टिलाइजर डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं कितने दिनों के बाद फूल आता है। देखिए प्लांट तो अभी बहुत हेल्दी और ग्रोथ बहुत बढ़िया है। ये देखिए यहाँ पे कुछ बर्ड्स जैसा दिख रहा है, इसका अपडेट मैं नेक्स्ट वीक आपको दूंगा, आप चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं और एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए पौधों के साथ।